का क्या खेल है? सारा खेल ऑक्सीजन का ही तो है। जब दिमाग की नसों नाड़ियों में ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो दिमाग कम काम करता है। तो आपको श्वासों का प्रयोग करोगे, तेजी से करोगे, तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन पहुंचेगी माइंड में। माइंड की जब नसें जो काम नहीं कर रही, जिनसे पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सारी खुल जाएंगी। वो खुलेंगी तो क्या होगा? पढ़ने को मन करेगा, काम करने को मन करेगा, सफुर्ती आ जाएगी, ताजगी आ जाएगी। और सारी जो नशे ब्लॉक हैं, जो किसी के यदि यूट्रेस में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होते हैं, सारी प्रॉब्लम दूर होती है, सारी प्रॉब्लम। लेकिन करना पड़ेगा। अभी देखो, इससे दिमाग भी तेज होगा और आपकी जो बंद है, आपको क्या करना है, जैसे कपाल भाती से भी सारी होती है, लेकिन आपको ये प्रयोग भी करना है तेज वाली सांसों का। 6 मिनट तेज तेज सांसें लोगे सब, तो दिमाग तक बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी। ना भी जहाँ पर यूट्रेस होती है पेट में, इसमें अपने आप ही छूटती है। जब आप जब तेज सांसें लेते हैं तो क्या होता है, छोड़ कपाल भाती नहीं करवा रहे, हम सांस को लेना और छोड़ना बता रहे हैं आप। कपाल भाती एक अलग क्रिया है और ये एक अलग है, इसमें आपको लेना भी है और छोड़ना भी है तेजी से। लेकिन तेजी से लोगे तो पूरी जो पेट की नसें हैं आते हैं वो सारी हिलती हैं, हिलेंगी तो वो खुलेंगी जो अभी ब्लॉकेज हो रखी है। कपाल भाती में भी होता, वो भी करवाएंगे, लेकिन ये और भी ज़्यादा पावरफुल है। इससे भी पूरी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी आपकी सेल्स हैं डिजर्नेट हो गई हैं, कोई नस में ब्लॉकेज है, किसी के बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, किसी के कोई अंदर में क्लोट है, कोई गांठ है, सारी जब वो शक्ति सांसों का घर्षण करते हो तेज तेज, तो वो क्या करती है, नीचे ही हमारी प्राण शक्ति है और नीचे ही हमारी कुंडलिनी शक्ति है, सारे चक्कर यही हैं। तो उन्हीं में कहीं दिक्कत है आपके, जब आपको बच्चे नहीं हो रहे तभी बच्चों का दिमाग तेज नहीं चलता है, तभी कोई और बीमारी लगती है। तो आपको तेज तेज सांसों का घर्षण करोगे, देखो अभी करो, चलो ऐसे देखो, पूरा देखो पेट हिल रहा है या नहीं। हाँ, तो तेज करोगे तो पेट हिलेगा तो जल्दी से घर्षण होगा। जैसे दो पत्थरों को जल्दी जल्दी घिसाते हो तो अग्नि निकल आती है, सांसों का घर्षण जल्दी करोगे तो सारी नसों नाड़ियों को खोलती हुई शक्ति ऊपर चली जाएगी, शक्ति ऊपर आएगी, शिव यहाँ पर है, शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी देर करिए, दोनों नाकों से करना है इसमें। हाई बीपी वाले को तो तेज सांसों का प्रयोग करना ही नहीं है, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। मंद बुद्धि जो बच्चे हैं, जिनका दिमाग कम काम करता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, जिनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं होते हैं, कोई भी समस्या है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, आलस सताता है, हर रोज़ ये कम से कम 6 मिनट, और ज़्यादा करें तो दिन में 3 बार, 6-6 बार, ठीक है, 6 × 12, 6 × 18, और ज़्यादा करें तो 4 बार 24 मिनट हो जाएगा। और एक ही बार में 24 मिनट कर लें तो फिर कहने ही क्या है, लेकिन ये ज़्यादा किया नहीं जाता, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा बन जाती है और आपको जो है तुरंत ही अनुभव भी हो सकते हैं इससे कोई भी। तो ये रोज़ाना करेंगे तो सब समस्याएं मिट जाएंगी।